अटेम्प्टिंग टेक्निक्स हम डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हम वो सारी टेक्निक्स हमने समझी पॉइंट्स की फॉर्म में, अब उनके हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एक मॉक एग्जाम में देखेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात एक तो एक देखें, आपको कलर स्कीम जो मैं बात कर रहा था वो फ्लो चार्ट्स वाली चीज में, विजुअल टूल्स वाली चीज में, कि उसका इफेक्टिव यूज करना आना चाहिए। अब इसमें देखें कि आप मेरे तीन डिफरेंट तरह के जो कलर्स हैं वो यूज हो रहे हैं। ठीक है, जो मेन मैं अपने पैराग्राफ्स वगैरह लिखता था सारे वो लिखता था ब्लू पॉइंटर्स। ठीक है, जो चीज मैंने कहीं दरमियान में हाईलाइट करनी होती थी, आगे मेरी सब हेडिंग्स भी आएंगी, या एक कोई डेफिनेशन हो गई, कोई स्टेटिस्टिक हो गया, जो मैं नॉर्मल अपनी मोनोटोनस राइटिंग से जरा प्रोमिनेंट करना चाह रहा हूँ, उसके लिए मैं ब्लैक पॉइंटर यूज करता था। ठीक है, और फाइनली जो मेरी मेजर बड़ी वाली ऊपर वाली हेडिंग होती थी, जो कि एक बड़ी आप हेडिंग लिखते हो क्वेश्चन से उठाकर, उसके लिए मैं ये कट वाला ब्लू मार्कर यूज कर रहा हूँ। तो इससे देखिए एक बड़ा ये चीज विजुअली अपीलिंग भी लग रही है, और इसमें इतना कंट्रास्ट क्रिएट हो रहा है कि एक नॉर्मल इंसान, एक बंदा ऐसा जिसने तीनों चीजें एक ही कलर में लिखी हुई हैं, और एक ये वाला पेपर, आप एज अ नॉर्मल ह्यूमन बींग बताएं एग्जामिनर को एक लम्हे के लिए साइड पर रखिए कि आपके लिए कौन सी चीज समझना ज्यादा आसान है, आपके लिए ये वाली चीज समझना ज्यादा आसान है। तो ये इस तरीके से कलर स्कीम वाली चीज पहली होगी। दूसरी आती है एक्सप्लेनेटरी हेडिंग्स। अब ये क्वेश्चन ये था कि प्रूव हाउ फैमिली इज द मोस्ट फंडामेंटल इंस्टीट्यूशन इन द सोसाइटी। तो मैं ये दिखाने के लिए एग्जामिनर को कि मैं वाकई बिल्कुल रेलिवेंट लिख रहा हूँ, और ये कि बिल्कुल भी डिट्रैक्ट नहीं हो रहा, मैं जो मेजर हेडिंग लिखता था अपनी वो बिल्कुल जो एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है उसी से अल्फाज एक्सट्रैक्ट करता था। कि उसने पूछा ये है कि हाउ इज फैमिली मोस्ट फंडामेंटल इंस्टीट्यूशन ऑफ सोसाइटी, तो बजाय ये लिखने के कि इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली, सिग्निफिकेंस ऑफ फैमिली, मैं एग्जैक्ट वही हेडिंग लिख रहा हूँ मेन ऊपर वाली, हाउ इज फैमिली द मोस्ट फंडामेंटल इंस्टीट्यूशन ऑफ सोसाइटी, और ये मैंने वही कट वाले मार्कर से लिखी। अब नीचे मेरी सारी सब हेडिंग्स जो मेरे आर्ग्यूमेंट्स है ना, वो एक्सप्लेनेटरी किस तरीके से है वो यहाँ हो रहा है। कि देखिये एक चीज है कि एक बंदा लिखेगा ये लिखने के बाद सिर्फ एक पॉइंट में रिप्रोडक्शन, एग्जामिनर को इससे कुछ पता नहीं लग रहा कि रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, इससे एक्चुअली आर्ग्यूमेंट क्या है। उस एक लफ्ज लिखने में और इस लाइन में फर्क देखिए आप क्या है कि इट सस्टेन्स द सोसाइटी बाय सप्लाइंग न्यू मेंबर्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। पूरा का पूरा मेरे आर्ग्यूमेंट की एसेंस एक समराइज फॉर्म में कन्वे हो गई है उस तक, और वही सारी चीजें उसे ये आर्ग्यूमेंट पढ़ के भी वाकई पता लग जाएगा कि इसको अपनी एसेंस क्लियर है जो इसने आगे बातें लिखनी है। तो उसको ये पूरे पैराग्राफ में ढूंढना नहीं पड़ेगा आपके आर्ग्यूमेंट की एसेंस क्या थी, जो कि रिप्रोडक्शन के वर्ड से पता नहीं लग रही थी। ठीक है, अब वो डायरेक्ट जाएगा एग्जाम्पल या एविडेंस की जाने। तो मैंने एग्जाम्पल भी उसके लिए आसान कर दिया ढूंढना कि भाई ये एग्जाम्पल मैंने बॉक्स इन करके डिफरेंट कलर से लिखी हुई है, इस पे आ जाओ। इसमें देखिए मैंने बताया कि जी एवरेज फर्टिलिटी रेट साउथ एशिया में एक्सक्लूडिंग पाकिस्तान इज 2.1% विच इज इनफ टू सस्टेन द पॉपुलेशन ऑफ दीज कंट्रीज एट करंट लेवल्स। मैंने उसके लिए सपोर्टिंग एक एविडेंस भी फ्राहम कर दिया इन द फॉर्म ऑफ अ स्टेटिस्टिक। सिमिलरली दूसरी आगे एक्सप्लेनेटरी सब हेडिंग के इट इंश्योर्स द इंटीग्रेशन ऑफ न्यू मेंबर्स इनटू सोसाइटी थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। अब एक बंदा सिर्फ सोशलाइजेशन की हेडिंग लिखे और एक ये एक्सप्लेनेटरी सब हेडिंग, तो फर्क तो है ना, एग्जामिनर को फैसिलिटेट तो किया जा रहा है ना। सब में आपको नजर आ रहा होगा वही पैटर्न कि मैं एक्सप्लेनेटरी सब हेडिंग फॉलोड बाय द हाईलाइटिंग ऑफ एग्जांपल वो फॉलो कर रहा हूँ, एग्जांपल को प्रॉपर बॉक्स इन करके डिफरेंट कलर के साथ लिख रहा हूँ कि एग्जामिनर हेडिंग पढ़ने के बाद डायरेक्टली इस पे आए। ठीक है, तो ये एक पैटर्न आपको मेरे पेपर में नजर आ रहा है। दूसरा वही जो दूसरा पोर्शन सवाल का ये भी था कि हाउ आर फैमिली पैटर्न्स चेंजिंग इन पाकिस्तान, तो वो भी मैं उसी तरीके से लिख रहा हूँ एक्सप्लेनेटरी सब हेडिंग, और ये देखिए ये मैंने सेंसस 2017 का कोई रेफरेंस दिया है उसको मैंने यहाँ अंडरलाइन किया हुआ है। ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ कि सेंसर प्रूव ये करना है कि न्यूक्लियराइजेशन की तरफ जा रही है हमारी फैमिलीज, तो मैंने सेंसस का एक स्टेटिस्टिक कोट किया कि हमारा हाउस होल्ड एवरेज का जो एवरेज साइज है वो 6.1 मेंबर्स हो चुके हैं, जिसमें दो जनरेशन ही आ सकती हैं, मतलब वाकई फैमिलीज अब न्यूक्लियर बनती जा रही हैं, ज्वाइंट फैमिली में ज्यादा मेंबर्स होते हैं, तो 6.1 मेंबर्स वाली चीज को भी मैंने बॉक्स इन कर दिया। ठीक हो गया, तो ये आपको पैटर्न थ्रू आउट इसी तरीके से नजर आएगा। तीन चीजें मैं आपको दिखा चुका हूँ, कलर स्कीम, एक्सप्लेनेटरी सब हेडिंग्स, हाईलाइट किस तरीके से करना है स्टेटिस्टिक्स को, और देखे फिर कि अब इतना ज्यादा मैं फैसिलिटेट कर रहा हूँ कि बाज एग्जांपल्स में मैंने ना जहां मल्टीपल देनी होती हैं चीजें, ये तो है कि मैं इस तरीके से ना उनके बुलेट्स बना रहा हूँ। यहाँ बुलेट से भी ज्यादा अच्छा ये होता है कि मैं इस तरीके की तीन चार्ट बना देता एरोज निकाल के,
पॉइंट ये प्रूव करना है कि डिक्रीज इन पेरेंटल अथॉरिटी ओवर चिल्ड्रन जो है वो होता जा रहा है हमारी फैमिलीज में. तो उसके मैंने तीन एविडेंसेस दिखाए कि लोगों के पास, बच्चों के पास अब फ्रीडम इन चूजिंग करियर्स है, फ्रीडम इन मेकिंग मैरिज डिसीजंस, फ्रीडम इन स्पेंडिंग मनी इंस्टेड ऑफ गिविंग इट टू पेरेंट्स एज इट हैपन्स इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज. तो ये बजाय बुलेट्स की बजाय मैं अगर एरोज बना देता हूँ मजीद अच्छी बात होती, लेकिन बुलेट से भी एक बिल्कुल क्लियर कट तीन पॉइंट्स उस तक पहुंच रहे हैं. ठीक है, वन सेकेंड वही देखें, स्टेटिस्टिक्स जो है वो बॉक्स इन हुए हैं. तो ये कुछ चीजें हो गई हैं. ठीक है, फाइनली ये देखें, यस, जहां मैंने टेबल्स बनाने की बात की थी, अब यहाँ पे पॉइंट मैं बताना चाह रहा हूँ कि हाउ इज रूरल अर्बन माइग्रेशन अ सिंबल ऑफ प्रोग्रेस एंड मोबिलिटी. तो मैं लिख ही रहा हूँ, क्लेम मेरा ये है कि इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू माइग्रेटिंग फैमिलीज टू कम आउट ऑफ द साइकिल ऑफ पॉवर्टी थ्रू न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. कि पॉवर्टी जो है डिक्लाइन होती है अर्बनाइजेशन के थ्रू. तो उसके लिए मैंने टेबल बना के प्रॉपर स्टैट्स कोट किए कि पॉवर्टी रेट पाकिस्तान में क्या है, रूरल वर्सेज अर्बन एरियाज में क्या है, अर्बन एरियाज में देखें कितना कम है, रूरल में कितना ज्यादा है. तो ये प्रॉपर एक एविडेंस कन्वे हो गया इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल. ठीक है, हाईलाइट हुए हैं वंस अगेन स्टेटिस्टिक्स. एक और टेबल आपके सामने, ये आ गई वो फ्लो चार्ट वाली बात, वही जो मैं मैक्स वेबर की थ्योरी में कह रहा था कि असिस्टेंट कमिश्नर रिपोर्ट्स टू डीसीओ, हु रिपोर्ट्स टू डिविजनल कमिश्नर, हु रिपोर्ट्स टू चीफ सेक्रेटरी. सिमिलरली स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क की मैंने बात करनी है, तो सिविल सर्विस के अंदर पुलिस का स्पेशलाइज काम है, आईआरएस का स्पेशलाइज काम, ऑडिटर अकाउंट्स का स्पेशलाइज काम. मैंने फ्लो चार्ट बना के टेबल की फॉर्म में ये आर्गुमेंट जो है वो कन्वे किया है. फिर जो मैं बात कर रहा था कि एग्जांपल्स जो है आपकी क्लिशेड नहीं होनी चाहिए, रेलिवेंट होनी चाहिए, डाइवर्स होनी चाहिए, उसकी मैंने यहां पे एक एग्जांपल आप लोगों को दिखाना थी. आई थिंक इट्स इन द टॉपिक ऑफ रूरल अर्बन माइग्रेशन. एनी हाउ मेरे ख्याल में वो पेज शायद मिस हो गया, लेकिन मैं बताना ये चाह रहा था कि आपने इस तरीके की एग्जाम्पल्स देनी है जिनके साथ एग्जामिनर फौरन अपने आप को रिलेट कर पाए. ठीक है, रिलेट कर पाए, प्लस वो जितनी डाइवर्स आप रख सकते हैं डिफरेंट सोसाइटीज की, इराज की, हिस्टोरिकल डोमेन वगैरह की, वो आपने जो है वो सारी वहां पे देनी है. ठीक है, तो ये तो चूंकि पाकिस्तान स्पेसिफिक सवाल थे ज्यादा इस पेपर में, तो वो ज्यादा पाकिस्तान स्पेसिफिक मिसालें आई हैं, लेकिन इवन विद इन पाकिस्तान भी आप ऐसी डाइवर्सिटी और यूनिकनेस जो है ना वो शो कर सकते हो जो आपको बाकी स्टूडेंट से मुमताज करे. लाइक फॉर इंस्टेंस इसमें रूरल अर्बन माइग्रेशन में मैंने मिसाल देना थी कि इसकी वजह से अगर ये अनकंट्रोल्ड जो है वो सेटलमेंट्स बनती जाएं, आपके सिटीज एक्सपेंड करते जाएं अनकंट्रोल्ड माइग्रेशन की वजह से, तो आपकी एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो बहुत ज्यादा वेस्ट होती है एक्सपेंशन की वजह से. अब इसमें मैंने सीधी ऐसी मिसाल दी कि लाहौर के रहने वाले जो आप में से लोग हैं वो उसके साथ रिलेट कर पाएंगे, कि मैंने लिखा कि किसी जमाने में 1970 में एक वैगन चलती होती थी लाहौर ता मॉडल टाउन बरास्ता इछरा. मतलब मॉडल टाउन उस टाइम लाहौर का हिस्सा नहीं समझा जाया करता था. जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ा हूँ यूईटी में, वो जब बनी थी जो आज जीटी रोड है, वो उस टाइम लाहौर की पेरिफरी समझी जाती थी. तो आज मैं लिखा एग्जांपल के लाहौर शादरा से लेकर इछरा से लेकर आगे वो बहरिया निशेमन बहरिया टाउन तक एक्सपेंड कर गया हुआ है. तो ये एक ऐसी मिसाल है कि जिसमें लाहौर में रहने वाला हर इंसान इससे रिलेट कर सकते हैं, मोस्ट लाइकली ओके एग्जामिनर भी होगा कि वाकई किस तरीके से. बल्कि मुझे याद पड़ा, मैंने उसमें बकायदा वो पतरस बुखारी का जो लाहौर का जग्राफिया का रेफरेंस था कि जिस रफ्तार से लाहौर फैल रहा है, जल्द जो है वो पंजाब एक शहर होगा और लाहौर जो है वो सूबा होगा, ह्यूमरस टर्म्स में वो भी लिखा कि वाकई इतना सीरियस मसला बन गया कि पतरस बुखारी ने जो बात एज ए जोक की थी वो आज वाकई हो रही है, और इतनी ज्यादा आपकी एग्रीकल्चरल लैंड हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन की वजह से वेस्ट हो गई है. तो इस तरीके की आप रेलिवेंट एग्जांपल दो, यूनिक एग्जांपल दो, जिससे सब आगाह हों, जो एग्जामिनर अपने कॉन्टेक्स्ट के साथ जिससे रिलेट कर पाए, उस तरीके की आपने देनी है. और बाकी ऑफकोर्स डिफरेंट सोसाइटीज वगैरह की जहां जहां लगती हैं वो तो देनी ही है. अगर तो टॉपिक पाकिस्तान स्पेसिफिक नहीं आया तो आप डाइवर्स एग्जाम्पल्स लाजमन दोगे. तो ये कुछ चीजें मैंने आप लोगों के सामने रखती है अपने मॉक पेपर में दिखाकर भी. तो उम्मीद है अब आप लोग पेपर में अच्छा स्कोर कर पाएंगे इन टेक्निक्स को इम्प्लॉय करके. थैंक यू सो मच.